इस वीडियो में मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको, पीडीएफ को इमेज, किसी भी इमेज को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 सेकंड में, और किसी भी इमेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे जेपीजी या पीएनजी में। ठीक है, इस बारे में ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं लहरेर टेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ, कोई भी इमेज को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए आप हमारे इस पर जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ प्लस वाले आइकॉन पर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट बाय पिक्चर, सेलेक्ट बाय फोल्डर, तो डायरेक्टली सेलेक्ट बाई पिक्चर पे क्लिक करना है और कोई सा भी इमेज आपको उठा लेना है। जैसे मुझे ये इमेज उठा लिया, मैंने डन कर दिया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ, तो इस पर क्लिक कर दिया। अब कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक किया और ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये ऐड आ रहा है। ठीक है, कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम स्किप करते हैं और ये देखिए लिखा हो, योर पीडीएफ फाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसको ओपन भी कर सकते हैं आप, तो आप ओपन कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं, दिख रहा है ये आपको, ये हो गया है, ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको आप शेयर करना चाहें तो यहाँ शेयर पे जाएंगे, और किसी को व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भेजना चाहें तो कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी आप इसको भेज सकते हैं। अब ये आपका पीडीएफ का हो गया। अब आपको हम जेपीजी का बताएंगे कि किसी भी इमेज को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हम जाएंगे प्ले स्टोर पे जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे हम एक ऐप करेंगे, इमेज IMA इमेज टू JPG कन्वर्टर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इस ऐप को देख लीजिए अच्छे से, JPG और PNG लिखा हुआ है इसमें लोगों में। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए खुल ओपन हो रहा है। ये ओपन होने के बाद मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ, कैसे जेपीजी को ये ऐड आ गया। ठीक है, अब यहाँ से सेलेक्ट फ़ोटो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सेलेक्ट फॉर्मेट, आपको JPG में कन्वर्ट करना है या PNG में कन्वर्ट करना है या WebP में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको अगर JPG में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक करिए, PNG में, तो हमें अभी JPG में करना है तो हम JPG पे क्लिक कर दिया और यहाँ कन्वर्ट नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब ये ऐड आ गया है। ठीक है, ये ऐड जैसे ही ख़त्म होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब इसको आप सेव करें या फिर शेयर कर सकते हैं, तो हम यहाँ से आपको इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से हम व्यू भी कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारा ये व्यू हो चुका है। ठीक है, इससे पहले हमने ये करा था, अभी ये हमने करा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को JPG में कर सकते हैं। ठीक है, या PNG में कर सकते हैं, या फिर किसी भी इमेज को PDF में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 सेकंड में आपको मैंने बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।